हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्रोच। काकरोच, ये जो कॉकरोच है, काकरोच की बात करें तो काकरोच कि कुछ कॉमन स्पीसीज है, जैसे हम लोग बोलते हैं इसको अमेरिकाना, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। तो जो पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना है, नेम से आपको लग रहा अमेरिकाना, बिल्कुल बात सही लग रहा है, क्योंकि जो अमेरिका ना, इसकी डिस्कवरी है, पाया कहाँ गया, अमेरिका में, वहां से आया कहाँ पर, इंडिया में। और इस पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना को हम लोग बोलते हैं, इसका एक नेम और है, आल्सो नोन एज, या इसका कॉमन नेम बॉम्बे कैनरी। या इसको हम लोग बोलते हैं सिप कॉकरोच। ये पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना है, सबसे लार्जेस्ट कॉकरोच होता है। लार्जेस्ट साइज। नेक्स्ट, एक कॉकरोच है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्लाटा ओरिएंटेलिस। ब्लाटा ओरिएंटेलिस, ए स्मॉलेस्ट कॉकरोच होता है। और ये कहाँ का है, इंडिया का, ये इंडियन कॉकरोच है। कौन, ब्लाटा ओरिएंटलिस, ऑय अमेरिकन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन, कॉकरोच का क्लासिफिकेशन। आप जानते हैं जो काकरोच होता है, काकरोच मेंबर किसका है, आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम है। आर्थ्रोपोडा के सारे कैरेक्टर हम जानते हैं, जो कि 11th में हम लोग पढ़े भी, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। बात करते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बात की जाए। देखिए पीसीओ, पीसीओ फैमिली जीएस, तो पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पीसीज। इनकी बात करें हम लोग, तो फाइलम इनका आर्थ्रोपोडा, फाइलम इनका आर्थ्रोपोडा। क्लास की बात करें, क्लास
इंसेक्टा, या इसको बोलते हैं हेक्जापोरा, मतलब सिक्स लेग हेक्जापोरा। अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो डिक्टियोप्टेरा, ऑर्डर की बात करें डिक्टियोप्टेरा। फैमिली की बात करें तो ब्लाटिडी, ब्लाटिडी। जीनस की बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं इसकी, तो जो जीनस है इसका पेरी प्लेनेटा, जो सबसे बड़ा कॉकरोच है, सबसे कॉमन मिलता है, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। और स्पीसीज अमेरिकाना, नोट करें इसको। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो कॉकरोच है ये मिलेगा कहां पर, इसका हैबिट क्या है, इसका हैबिटेट क्या है, दोनों की बात करते हैं, हैबिट और हैबिटेट। चलिए हैबिट, इसका हैबिट क्या है, हैबिट मतलब क्या होता है कि इसका फूड हैबिट, इसकी ईटिंग हैबिटेट कैसा है, इसकी बात करें। दे एट ऑल टाइप्स ऑफ फूड, ऑल टाइप्स ऑफ फूड लाइक पेपर, लाइक पेपर, लेदरी पार्ट, फ्रूट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करें हैबिटेट, हैबिटेट। अगर हम लोग हैबिटेट की बात कर रहे हैं मतलब ये कहाँ मिलेगा, दे प्रेजेंट हम लोग बात करते हैं कि कहाँ मिलता है, दे प्रेजेंट डार्क वार्म एंड डैम प्लेसेस, मतलब जहां पर थोड़ा से हीट का टेम्परेचर की बातें हो, जहां डार्क प्लेसेस हो और मॉइस्चर की कंडीशन हो, ये आसानी से वहां पर मिल जाएंगे, लाइक गोडाउन, किचन, किचन, बहुत सारे प्लेसेस जहां पर ये अवेलेबल होते। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अभी हम लोग जब मेल फीमेल को आइडेंटिफाई करेंगे तो वहां पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात आपको दिखेगी।
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब मेल फीमेल आसानी से क्या किए जा सकते हैं, आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, मेल फीमेल आसानी से क्या किए जा सकते हैं, आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, दे आर नक्टर्नल, नक्टर्नल, ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स, कर्सोरियल, कर्सोरियल मतलब गुड रनर ये होते हैं। नक्टर्नल, ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स मतलब हर टाइप के फूड को क्या कर सकते हैं, एंगल कर सकते हैं, और कर्सोरियल ये बहुत तेज दौड़ते हैं। नक्टर्नल मतलब जनरली ये नाइट कंडीशन में क्या होते हैं, प्रेजेंट मिलते हैं। नाइट कंडीशन में नॉर्मली जो है काकोस मिलता है, दिन में क्या होता है ये एब्सेंट हो जाता है, मतलब छिप जाता है, अपने को हाइड कर लेता है। अब इसके बाद हम लोग कॉकरोच को दो पार्ट डिवाइड कर देते हैं, इसका एक पार्ट मॉर्फोलॉजी और एक पार्ट एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं और कॉकरोच की एनाटॉमी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, इनको एक्सटर्नली देखें, इनको एक्सटर्नली देखें, एक कैसा दिखते हैं, इनका कलर कैसे होता है, ये छोटे होते हैं बड़े होते हैं, इनका साइज क्या है, साइज कलर शेप साइज की बात करते हैं, और फिर इनकी बॉडी का डिवीजन, इनकी बॉडी कितने पार्ट में क्या होती है, डिवाइड होती है, ये सब की बात करते हैं हम लोग कहाँ पर, मॉर्फोलॉजी में। और एनाटॉमी की बात करें, एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में हम लोग बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब जितने भी सिस्टम्स हैं सारे सिस्टम हम लोग इनके एनाटॉमी में कंसिडर करेंगे। लेकिन तो मॉर्फोलॉजी में हम लोग बात करते हैं कलर, इनका कलर क्या है, जनरली ये डार्क ब्राउन कलर होते हैं, दे आर डार्क ब्राउन इन कलर, दे आर डार्क ब्राउन इन कलर। लेकिन ए जो ट्रॉपिकल रीजन है, इस ट्रॉपिकल रीजन में, बट इन ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में ब्राउन एलोइस रेड एंड ग्रीन कलर ऑफ कॉकरोच आल्सो डिस्कवर, ग्रीन कलर कॉकरोच मतलब एक कलर के भी कॉकरोच क्या है, प्रेजेंट है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनका साइज, शेप एंड साइज दोनों की बात कर लें। देखिए पूरा आर्थ्रोपोडा, ये जो पूरा आर्थ्रोपोडा है,
अगर हम लोग इसके सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल। और जो कॉकरोच होता है ये डार्सो वेंट्रली फ्लैटेन बॉडी होती है। डार्सो वेंट्रली फ्लैटेन बॉडी मतलब इनका डार्सल सरफेस मिलेगा, इनका वेंट्रल सरफेस मिलेगा, दोनों सरफेस में आसानी से क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। नेक्स्ट बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, इनकी जो लेंथ होती है हम लोग ऐसे बोले रेंज, इनकी जो लेंथ होती है रेंज 1/4 to 3 inch। ये क्या है, इनके बॉडी के साइज की लेंथ है, बॉडी के साइज की लेंथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर एक चीज आप देख सकते हैं, अगर इसको सेंटीमीटर में बोलें तो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर ऑन एवरेज क्या होता है इसका लेंथ होता है, 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। बात समझ रही, नोट करें। हम लोग मार्फोलॉजी की बात कर रहे हैं तो शेप एंड साइज के बाद हम लोग जरा इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, काकरोच को ड्रा करें। तो देखें काकरोच दिखता कैसा है, ये काकरोच का हेड, काकरोच का हेड है, एक काकरोच का हेड है, ट्राइगोनल हेड होता है, उसमें ओवल शेप होता है, वॉयल होता है, दे आर द कंपाउंड आई। आगे हम लोग बात करेंगे कंपाउंड आई की, एक कंपाउंड आई है। कंपाउंड आई, कंपाउंड आई हेड, कंपाउंड आई। कंपाउंड आई का मीनिंग आगे हम लोग बात करें इसकी, जैसे मान लो सपोज करो यहां पर छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं, यहां पर स्क्वायर दिख रहे हैं, तो स्क्वायर भी होता है, हेक्सागोनल भी होता है, पेंटागोनल भी होता है, ऐसे शेप होते हैं। और हर एक सेगमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, हर एक स्क्वायर पेंटागोनल हेक्सागोनल हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेटीडिया, ओमेटीडिया बोली जाती है। और जैसे मान लो कंपाउंड आई क्यों बोला गया, जैसे मान लो काकरोच सामने खड़े हो गए, तो जैसे आप काकरोच के सामने खड़े होंगे तो आपकी बॉडी के जितना भी पार्ट है, हर एक बॉडी के पार्ट या एक बॉडी के पार्ट का अलग अलग सेगमेंट का इमेज अलग अलग ओमेटीरियम बनता है। और जब हर एक ओमेटीरियम में आपके बॉडी का इमेज बन जाएगा तो सारे के सारे इमेज क्या हो जाएंगे, यूनाइट, सारे के सारे इमेज क्या हो जाएंगे, कंपाउंड। और फिर काकरोच आपको क्या कर पाता है, विजिबल कर पाता है। एक आई में लगभग 2000 ओमेटीरिया मिलेगा। तो मतलब क्या, एक आई में आपके बॉडी का लगभग 2000
बॉडी का इमेज का फॉर्मेशन होता है दूसरे में 2000, टोटल ओवर ऑल 4000 इमेज का फॉर्मेशन आपके बॉडी में होगा। छोटे छोटे बार सपोज करिए ये हैंड है, हैंड में सपोज करो एक फिंगर का इमेज एक दूसरे का दूसरे में ऐसे बनता है, और फिर जब यूनाइट होते ही तो सारा इमेज ऐसे एक साथ इकट्ठा होता है तो क्या होता है काकोर उसको देख पाता है। इस टाइप की आइज हम लोग क्या बोलते हैं कंपाउंड आइज। आगे डिफाइन करें नेक्स्ट हेड के बाद हम लोग बात करते हैं थोरैक्स। ये थोरैक्स है, थोरैक्स हेड के बाद थोरैक्स की बात करते हैं। तो इनकी बॉडी में जो थोरैक्स होता है थोरैक्स के 3 सेगमेंट होते हैं, 3 सेगमेंट। आगे देखें विंग्स है, विंग्स है, विंग्स है। जो विंग्स है इसको हम लोग बोलते हैं विंग्स, ये लेदरी विंग्स है, लेदरी विंग्स बहुत स्ट्रांग होती है। कार्ड इलेक्ट्रा या इसका दूसरा नेम है टेगमिना, बहुत स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट विंग्स है, टेगमिना, टेगमिना। ये थोरैक्स का नेक्स्ट सेगमेंट, थोरैक्स का नेक्स्ट सेगमेंट। थोरैक्स के 3 सेगमेंट, फर्स्ट हम लोग बोलेंगे प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, और ये पार्ट है एब्डोमेन। बात करते हैं जो एब्डोमेन होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन। क्या होता है 10 सेगमेंट। तो एक पेयर आपको मिल गया क्या विंग्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं टेगमिना या इलेक्ट्रा, एक ऐसा है लेदरी है। नेक्स्ट दूसरा पेयर विंग्स, सेकंड पेयर विंग्स है,
ठीक है, सेकंड पेयर विंग से, ठीक है, सेकंड पेयर विंग से। और जो सेकेंड पेयर विंग से, अगर आप इस टेग्मिना को स्ट्राइक कर दें, टेग्मिना को हटा दें, तो इसके नीचे ए विंग दिखेगा। जैसे मैंने इस टेग्मिना को साइड किया तो ए विंग दिखा। इस विंग्स हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस विंग्स, मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस विंग्स। और ये जो मेम्ब्रेनस विंग्स होता है ये भी होता है, और ये क्या है, स्टोन, ये वीक है और स्ट्रॉन्ग है। जो मेम्ब्रेनस विंग्स होता है हेल्पिंग हेल्पिंग फ्लाई, फ्लाई करने में हेल्प करता है, उन्हें हेल्प करता है। और जो टेग्मिना होता है, टेग्मिना टेग्मिना ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन कवर द, जब कॉकरोच रेस्ट कंडीशन रहता है तो टेग्मिना कवर द मेम्ब्रेनस विंग्स, क्योंकि मेम्ब्रेनस विंग्स क्या है, मेम्ब्रेनस विंग्स वीक है और आसानी से टूट जाएगा। ये जो टेग्मिना है ये प्रेजेंट होता है प्रोथोरेस और मेजोथोरेस के बीच में। मेम्ब्रेनस कहाँ प्रेजेंट है, मेजो मेटाथोरेक्स। इसी वजह से हम लोग इस विंग्स को हम लोग बोलते हैं मतलब इलेक्ट्रा टेग्मिना, चाहे इलेक्ट्रा बोले चाहे टेग्मिना बोले, अच्छा है आप इसको बोल लें मेजोथोरेसिक विंग्स, मेजोथोरेसिक विंग्स। और जो मेम्ब्रेनस विंग्स है आल्सो कॉल्ड मेटाथोरेसिक विंग्स, मेटाथोरेसिक विंग्स। नेक्स्ट, इनके बॉडी में थ्री पेयर लेग्स होता है, इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हेक्सापोडा। इस सेगमेंट को इस सेगमेंट हम लोग बोलते हैं प्रोथोरेसिक, प्रो मतलब पहले, थोरेस के स्टार्टिंग जो सेगमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोथोरेसिक सेगमेंट। इसको बोलेंगे मीजोथोरेसिक, सेगमेंट, और इसको बोलेंगे क्या, मेटाथोरेसिक सेगमेंट, मेटाथोरेसिक सेगमेंट। तो प्रोथोरेसिक सेगमेंट से लेग्स निकलता है वन पेयर, वन पेयर, वन पेयर, एक लेग इधर से एक लेग इधर होगा। मेजोथोरेसिक सेगमेंट से वन पेयर लेग्स, ऐसे मेटाथोरेसिक सेगमेंट से वन पेयर लेग्स, वन पेयर लेग्स। तो थ्री लेग्स इधर होंगे, थ्री लेग्स इधर होंगे। अगर प्रोथोरेसिक सेगमेंट से लेग्स निकला हुआ है, बड़ा आसान नेम है प्रोथोरेसिक लेग, प्रोथोरेसिक लेग, प्रोथोरेसिक लेग्स। मेजोथोरेक्स निकला हुआ है तो मेजोथोरेसिक लेग, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाथोरेसिक लेग, मेटाथोरेसिक लेग्स। ये तीन पेयर लेग्स है, तो तीन लेग्स उधर होगा, तीन लेग्स इधर होगा। आगे, ये जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के नाइन सेगमेंट और
एब्डोमेन के 10 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, एक टाइप का रिसेप्टर होता है। देखें, एक पेयर रिसेप्टर 9 सेगमेंट में, वन पेयर रिसेप्टर 10 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। जो रेड कलर का मैंने डिनोट किया है इसको हम लोग बोलते हैं एनालिस्टाइल, एनालिस्टाइल। और जो ग्रीन कलर का है उसको बोलते हैं इनर सर्काई। ध्यान रहे, एनालिस्टाइल ए 9 सेगमेंट, ओनली ओनली मेल का क्रोसी, और एनर सर्काई ए 10 सेगमेंट, चाहे मेल हो और चाहे फीमेल। तो इसका मतलब है एनल स्टाइल दे आर द पिकुलियर कैरेक्टर, दे आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन डिविजिबल सेगमेंट या इन डिफरेंशिएशन सेगमेंट या डिफरेंशिएशन पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल फीमेल का क्रॉस को आसानी से किस पॉइंट से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ओनली मेल, केवल केवल मेल के 9th सेगमेंट में, और एनर सर्काई बोथ मेल एंड फीमेल दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, ये जो हेड रीजन है आई के कॉन्टेक्स्ट से, मतलब आई के बेस से वन पेयर हम लोग बोलते हैं एंटीना। एंटीना भी एक टाइप का रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ रिसेप्टर में आप कंसीडर क्या कर सकते हैं, रिसेप्टर में कंसीडर कर सकते हैं इनका एंटीना, रिसेप्टर में कंसीडर कर सकते हैं कंपाउंड आई, रिसेप्टर में कंसीडर कर सकते हैं एनल स्टाइल और एनल सर्काई। बात समझ गए? तो ये रहा इनकी इनका स्ट्रक्चर। ध्यान रहे, अगर कॉकरोच मेल होगा तो एनल स्टाइल एनल सर्काई दोनों होगा, अगर कॉकरोच फीमेल है तो एनल स्टाइल उसमें नहीं होगा। इसका मतलब है स्टाइल किस में होता है, स्टाइल मेल में होता है, कभी भी स्टाइल फीमेल में नहीं होता। स्टाइल कौन मारेगा, मेल मारेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास स्टाइल है मारेगा, फीमेल के पास स्टाइल नहीं है। हम लोग क्या बोलेंगे, फीमेल स्टाइल नहीं मार सकते। डायग्राम को ड्रा करें, अब इसके बाद मार्फोलॉजी में हम लोग बात कर रहे थे एक बात की देख कलर, दूसरा शेप एंड साइज। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्केलेटन। स्केलेटन की बात की जाए मॉर्फोलॉजी में, स्केलेटन स्केलेटन जो स्केलेटन होता है इनकी बॉडी, मोस्टली जो स्केलेटन होते हैं इनके बॉडी के आउटर साइड में होता है, पूरी बॉडी को चारों तरफ से कवर करता है, और इस टाइप के स्केलेटन हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सोस्केलेटन।
स्केलेटन ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच स्केलेटन ऑफ कॉकरोच की बात कर रहे हैं। एक्जोस्केलेटन तो जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच की पूरी बॉडी चारों तरफ से कवर होती है, चारों तरफ से प्रोटेक्ट होती है। दे कवर इंटायर बॉडी आपका कॉकरोच। मेटाफॉर मेटाफॉर काइटिन, ध्यान करिए मैंने आपको बताया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने ये बात की है कि इनका जो स्केलेटन या इनकी जो कवरिंग होती है काइटिन की बनी होती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई की बात की है, जो फंजाई की सलवार होती है वो भी काइटिन का बना होता है। और एक्जोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच, एक जगह और बात मैंने आपको बताया है बायोमोलिक्यूल्स में, तो काइटिन का बना हुआ है। काइटिन एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है, तो काइटिन का बना हुआ इनका एक्जोस्केलेटन होता है जो बॉडी को चारों तरफ से कवर करता है, कार्ड। इनके एग्जोस्केलेटन हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेलराइट। इनके एग्जोस्केलेटन हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेलराइट। जो स्टेलराइट होता है, अब देखिए अगर कॉकरोच है तो सपोज के कॉकरोच का डॉर्सल सरफेस, कॉकरोच का विंटर सरफेस, कॉकरोच का लैटरल सरफेस, तो एक लैटरल सरफेस इधर हो जाएगा, एक लैटरल सरफेस इधर हो जाएगा, और ये डॉर्सल सरफेस हो जाएगी विंटर सरफेस। इसका मतलब है कि चार तरफ से स्क्लेराइट नेम के एक जो स्केलेटन जो काइटिन का बना हुआ है कॉकरोच को कवर करता है। तो देखिए जो स्क्लेराइट है, डॉर्सल साइड मिलेगा, डॉर्सल साइड में, वेंट्रल साइड में मिलेगा, लैटर साइड मिलेगा, लैटर साइड में। तो लैटर साइड जो होंगे दो प्लेट होगी, वेंटर साइड में एक प्लेट होगी, डार्सल साइड में एक प्लेट होगी। जो डार्सल साइड में स्क्लाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्जाइट, टर्जाइट। जो वेंटर साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टर्नाइट, स्टर्नाइट। और जो लैटर साइन होता है उसको बोलते हैं प्लूराइट, प्लूराइट। क्या बोलते हैं, प्लूराइट। तो बॉडी का चाहे हेड पार्ट हो, चाहे थोरैक्स पार्ट हो, चाहे एब्डोमेन पार्ट हो, स्क्लेराइट से चारों तरफ से कवर होगा। और स्क्लेराइट किसका बना होगा, पॉलीसेकेराइड का। डार्सल साइन भी स्क्लेराइट होगी उसको टर्जाइट बोलेंगे, वेंट्रल साइन जो स्क्लेराइट होगा उसको स्टर्नाइट, और लैटरल साइड में जो स्क्लेराइट होगा उसको क्या बोलते हैं, प्लूराइट। तो दो प्लेट प्लूराइट की और वन वन प्लेट स्टर्नाइट और टर्जाइट की मिलेगी। नेक्स्ट वन। अब जैसे मान लो मैं यहां पर चार सेगमेंट दिखा रहा हूं, फोर सेगमेंट आपको दिख रहा है। अब जितने भी सेगमेंट हैं ये सारे सेगमेंट एक दूसरे से अटैच होती है, दो सेगमेंट एक दूसरे से अटैच होगी, नेक्स्ट सेगमेंट अटैच हो गए। ऐसे जितने भी सेगमेंट अटैच होते हैं एक मेम्ब्रेन होती है जो सेगमेंट को अटैचमेंट देती है, हम लोग बोलते हैं एथोडल मेम्ब्रेन। एथोडल मेम्ब्रेन, एथोडल मेम्ब्रेन, ये जो एथोडल मेम्ब्रेन है अटैच
segment विथ एक दूसरे से विथ ईच अदर, एक दूसरे से क्या करता है, एक दूसरे से एक अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, एक दूसरे से क्या प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट। अटैचमेंट प्रोवाइड करने के बाद इसी एथोरल मेम्ब्रेन की वजह से कॉकरोच की बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसके नीचे आप लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे एरो बना करके, दीज मेम्ब्रेन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी कॉकरोच की बॉडी क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब स्केलेटन का नेक्स्ट पार्ट एंडो स्केलेटन, एंडो स्केलेटन ध्यान रहे जो एंडो स्केलेटन होता है एक्चुअली स्केलेटन है नहीं, ए हार्ड मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो रिमेनिंग मसल्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट में अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो चूंकि बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उस ऑर्गन को क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दे आर कॉल्ड एपोडेम्स, जो इनका एंडोस्केलेटन होता है उसको बोलते क्या है, एपोडेम्स। एपोडेंस, और ध्यान रहे एपोडेंस पूरी बॉडी के अंदर नहीं होता, सिर्फ हेड रीजन होता है। अब प्रेजेंट इन हेड रीजन, हेड रीजन के अंदर मिलेगा, हेड रीजन के अंदर मिलेगा। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है टेंट लाइक, टेंट लाइक वही टेंट जो मैरिज पार्टी में लगता है, टेंट लाइक। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंटोरियम। हेंस कॉल्ड टेंटोरियम। हेंस कॉल्ड टेंटोरियम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंटोरियम बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंटोरियम बोलते हैं। अब इसके आगे मॉर्फोलॉजी हम लोग बात करते हैं, इनके बॉडी का डिवीजन। स्केलेटन के बाद इनके बॉडी का डिवीजन, बॉडी डिवीजन। इनकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड है, बॉडी आर डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट में बॉडी की डिवाइड होती है। इसका एक पार्ट हेड है, एक पार्ट हेड है, सेकेंड पार्ट थोरैक्स है, थर्ड पार्ट एब्डोमेन। इनके बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, हेड थोरैक्स और एब्डोमेन।
देखें, अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कॉकरोच होगा और एडल्ट कंडीशन में कॉकरोच होगा, दोनों की बात कर लें। अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कॉकरोच होगा तो हेड सेगमेंट में, सॉरी हेड रीजन में, हेड पार्ट में 6 सेगमेंट होता है, 6 सेगमेंट। और जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन इनकी खत्म होने लगती है, मतलब एडल्ट की तरफ मूव करते हैं, एडल्ट की तरफ आते हैं, तो सारे के सारे हेड के सेगमेंट क्या हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे और एडल्ट कंडीशन में सिर्फ 1 सेगमेंट रहेगा। आगे थोरैक्स रीजन चले, तो थोरैक्स रीजन में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 3 सेगमेंट होता है और एडल्ट कंडीशन में भी 3 ही सेगमेंट रहता है। एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन रीजन में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या मिलेगा, 11 सेगमेंट, और एडल्ट कंडीशन में एक फ्यूज हो जाएगा और टोटल मिलेंगे 10 सेगमेंट। तो ध्यान रहे, आपसे एग्जाम पूछा हाउ मेनी सेगमेंट प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन इन कॉकरोच बॉडी, बता देखिए 11, 3 और 6, तो 20 सेगमेंट, 20 सेगमेंट। अभी ये नहीं पूछा गया कि कितने सेगमेंट मिलेंगे एडल्ट की बॉडी में, तो 14 सेगमेंट, ये आपके एग्जाम आ चुका, हाउ मेनी सेगमेंट प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन आपका कॉकरोच बॉडी। तो ये रहा इनके बॉडी का डिवीजन। अब हम लोग एक ही पार्ट को डिफाइन करना शुरू करते हैं। हेड डालिए, हेड हेड की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट है हेड, कॉकरोच के हेड की बात करते हैं।